इस हॉस्पिटल को 2005 में मैंने बनाना शुरू किया था, जिसकी जो ड्राइविंग फोर्स थी उसके पीछे वो मेरे वालिद मरहूम थे, जो खुद भी डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे इसमें, इसको एस्टेब्लिश करने में, इसमें बनाने में उन्होंने बेहद मदद की। उनकी गाइडेंस के बगैर मेरे लिए ये पॉसिबल ना होता कि मैं इस हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश कर सकता। तो इसको प्रॉपर सेंस में मैंने 2011 में स्टार्ट किया। उससे पहले तो सिर्फ ये था कि आबादी इस इलाके में क्योंकि बहुत कम थी, तो और मुझे कोई हॉस्पिटल रन करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो इसको हम सुबह से लेकर सिर्फ शाम 6 बजे तक रन करते थे, जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। और उसके बाद क्योंकि इलाका बहुत सुनसान था, बहुत कम लोग आया करते थे यहाँ पे। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अब ये हॉस्पिटल जो है, दिस इज़ इट्स अ प्रॉपर हॉस्पिटल जो 24 घंटे लोगों को सर्व करता है। इसको ज़ाहिर है हॉस्पिटल को तो आप बंद नहीं कर सकते, उसका कोई आप स्टार्ट टाइम या उसका कोई जो है क्लोजिंग टाइम नहीं होता। ये दिस इज़ अ प्रॉपर जनरल हॉस्पिटल जिसमें हम सारी सर्विसेज जो मेडिकल और सर्जिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि हमारे पास यहाँ पे कार्डियक सर्जरी या न्यूरो सर्जरी या अभी हमारे पास कोई एक, उसमें भी वजह यह है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं पर अभी तक हमने यहाँ पे CCU स्टार्ट नहीं किया। ICU फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि लोकेलिटी में हम पहले हॉस्पिटल में पहला था डॉक्टर जिसने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया, और अपने जिस कदर मैं कर सकता हूँ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, सर्विसेज हमारी बेहतर हो रही हैं। हमारा लिमिटिंग फैक्टर ये है क्योंकि ये मेन आबादी से ये जगह अभी भी दूर है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी मसला है, उसकी वजह से यहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी अवेलेबिलिटी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। पर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं ये कवर अप हो रही हैं।